नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत जतापुर रेलवे क्रॉसिंग पर बना रेलवे अंडरपास से लोगों के लिए जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है। आपको बता दूं, थोड़ी सी ही बरसात में अंडरपास में होने वाले पानी की जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो अंडरपास में जलभराव के चलते आने वाले वाहन भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और तो और पैदल चलने वाले ग्रामीण भी दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं। हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा के साथ देखें ग्राउंड जीरो पर ये विशेष रिपोर्ट। आज मैं विकासखंड नवाबगंज के रुपैया के समीप जैतापुर गांव के जो रोड जाती है उस रोड के समीप आया हुआ हूँ और यहाँ पर रेलवे विभाग द्वारा ये अंडरपास बनाया गया है। इस अंडरपास के बारे में हम आपको बता दें कि अंडरपास लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। यहाँ पर वाहन निकल जाएंगे, लोग आने जाने के लिए मतलब सुविधा होगी, लेकिन विगत दिनों से देखने में यही आ रहा है कि अंडरपास लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है। आज लगभग 2 साल से इस अंडरपास में थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाए तो काफ़ी जलभराव से उत्पन्न, जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जो हैं इसी जलभराव से होती जा रही हैं। बीच बीच में होटलों तक के गड्ढे आए दिन दुर्घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर लोगों की माने, यहाँ के ग्रामीणों की माने तो कई लोग यहाँ पर चोटहीन हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं और जिनका काफ़ी इलाज चला है, परेशान हैं। लोगों के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो आसपास के दर्जनों गांव के लोग हैं, जैतापुर, मोहनापुर, पंडित गुलाब, ददौली, गोपालपुर के दर्जनों गांव के लोगों का ये आवागमन का एकमात्र साधन था, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा ये जो अंडरपास बनाया गया, इस अंडरपास के वजह से आज ये जलभराव की जो विकट समस्या आ रही है, इस समस्या के चलते यहाँ के लोग, यहाँ के जो आमजन हैं, नागरिक हैं, वो बाहर से घूम करके कम से कम 2 किलोमीटर का सफर तय करके अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन से कई बार इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा शिकायत भी की गई, लिखित सूचनाएं भी दी गई, मीडिया के माध्यम से उनको अवगत भी कराया गया, लेकिन उनकी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। अब देखना है कि रेलवे प्रशासन इस समस्या के निदान के लिए क्या आवश्यक कदम उठाता है। धन्यवाद। भाई साहब, आपका नाम क्या है? गोविंद प्रसाद। गोविंद प्रसाद जी किस गाँव से हैं? जी हमारा घर लखैया संकल्पा पड़ता है। अच्छा, ये जो ओवर ब्रिज अंडरपास जो बना हुआ है रेलवे का, इसके अंदर पानी भर जाता है, जल भरा होता है, आने जाने में बड़ी असुविधा होती है जी। और कभी कभार ऐसा होता है कि इसी में गाड़ी लेके गिर जाओ, कभी हाथ पैर टूटने का डर रहता है, बड़े बड़े गड्ढे हैं इसमें, मतलब दुर्घटनाएं भी होती हैं बहुत ज्यादा। रेलवे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा क्या? कोई ध्यान नहीं देता है। आप लोग शिकायत किए हैं कभी? हम लोग तो शिकायत नहीं किए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन मतलब ये समस्या क्या है? क्षेत्र की बड़ी समस्या है ना? बहुत बड़ी समस्या क्षेत्र की है, जो कि बच्चों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जी ये पानी जो भरा रहता है इसमें जी, ये बारिश के दिनों में या बारिश के बाद भी काफी दिनों तक भरा रहता है? बारिश हो जाती इसके बाद में 8-10 दिन आप करीब 15-20 दिन हो गया भरे हुए। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें? कोई निकासी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मकबूल है। किस गाँव से है? अच्छा, तो ये जो अंडरपास बना हुआ है इसमें काफी जलभराव देखने को मिल रहा है, इससे परेशानी क्या होती है आप लोगों को? साइकिल आती है, गिर जाती है इसमें। क्या कई लोग, मतलब कुछ लोग चोट उठ भी खाए इसमें? कई लोग चोट खा चुके हैं। मतलब ये समस्या है, अगर ये पानी हट जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। WNN 360 न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।